एक दिन पहले हम गए थे शूट पे, तो मेरे को बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, जिसके कारण मैं आज सुबह जल्दी जल्दी नहीं उठ पाया था। मेरे दोस्त का फोन आता है, भैया आज जाना नहीं है क्या, तेरे से नहीं होनी क्या एक्सरसाइज। ये सब सुन करके मैं जल्दी से अपना बिस्तर छोड़ता हूँ और चला जाता हूँ अपने दोस्त के पास में, और वहाँ पर मैं है और मेरे को भला बुरा बोल रहा होता है। बोलता है कि 1008 जैसे तेरे से नहीं हो पाएगा, तू छोड़ देगा 75 चैलेंज को। फिर मैं बोलता हूँ ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कर, देख अब वो वेट कर रहे हैं अपना। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। फिर हम डेली की तरह हम अपना 10 मिनट तक वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर जैसे ही बॉडी गर्म होना स्टार्ट होती है तो मनीष बोलता है अब चलें दौड़ करने। हम जैसे ही दौड़ करना स्टार्ट करते हैं तो आज तो भाई साहब थकान बहुत ज्यादा थी, दौड़ धीरे धीरे कर रहे थे, तो मनीष बोलता है अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिर हम यहाँ पर हर्डल स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कि मेंढक बनना स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हम बीच बीच में 3-4 एक्सरसाइज सेट कर देते हैं यहाँ पर स्ट्रेचिंग के साथ में। फिर उसके बाद हम 100 मीटर का यहाँ पर रेस के दौरान ही शूट लगाते हैं, और जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं ग्राउंड पे तो हम अपना रोड रोलर स्टार्ट कर देते हैं भाई साहब खींचना। और ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम था आज हमारे लिए, क्योंकि आज हमें ना इसकी जो स्ट्रेंथ थी ना, जो इसकी जो लेंथ थी, लंबाई थी, वो हमने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी, और 3-3 चक्कर लेकर आए थे तो हमारी काफी ज्यादा हालत टाइट हो गई थी। तो मनीष बोलता है साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। स्टार्ट कर देते अपना 100 मीटर का शूट लगाने के लिए, यहाँ पर 2 शूट लगाते हैं और काफ़ी ज़्यादा हार्ड टाइट हो जाती है हमारी। उसके बाद हम अपने जो 45 मिनट्स तक रेगुलर पोस्ट एक्सरसाइज करते हैं, जिसके अंदर स्ट्रेचिंग भी शामिल होती है, दंड बैठक भी शामिल होती है, हनुमान दंड भी शामिल होते हैं, क्रोकोडाइल वॉक भी शामिल होती है, और काफ़ी सारी एक्सरसाइज रहती है। उसके बाद हम अपना कर लेते हैं पुशअप वगैरह के साथ में, अपनी मेडिटेशन वगैरह, काफ़ी सारी एक्सरसाइज करने के बाद में, स्ट्रेचिंग करने के बाद में हम अपनी बॉडी दिखाने का प्रयास करते हैं। हाँ वो थोड़ी सी अच्छी नहीं है फिर भी। फिर मैं बोलता हूँ मनीष को क्यों बहुत ज्यादा बोल रहा था, अब आया ना लाइन पे, अभी एक्सरसाइज हो चुकी है तो आज एक बार देख लेते पसीना कितना आया है। कल थोड़ा सा फास्ट मोशन में कर दिया था। ओहो हो भाई साहब पसीना तो आया है, एंड अभी कुछ एक्सरसाइज रहती है। हमारे आज गुरु मनीष जी हैं। नहीं वैसे लास्ट वाले तो वही रहते हैं, बट आज स्टार्टिंग वाले भी थे, तो आज जो एक्सरसाइज लास्ट वाली रहती है वही करवाएंगे। गाइज एक्सरसाइज हमने ऐड कर दी है, आज उतना मज़ा नहीं आया जितना पहले आता था, और हम घास में टहल रहे हैं। घास में टहलते याद आया कि कल है ना हम शूट करने गए थे भारत के शेर यूट्यूब चैनल के ऊपर, बहुत खतरनाक वीडियो आने वाली है, पानीपुरी चैलेंज लेकर आए थे हम, तो हम ढूंढ रहे थे 10 से 12 हमने है ना ढूंढे पानीपुरी वाले, सब ने मना कर दिया, किसी मुश्किल से एक जा करके मिला। तो मैंने बोला एक स्क्रिप्ट रेडी की थी, मैंने बोला मनीष जी से, मनीष जी जाओ स्क्रिप्ट ले आओ। तो स्कूटी खोलते हैं डिग्गी, और स्कूटी खोलने के बाद डिग्गी में से निकालते हैं, उनका कहाँ बोला कहाँ है स्क्रिप्ट, उनका कॉपी में क्या बात कर रहे हो कॉपी में आ गई स्क्रिप्ट। यार राइटिंग ऐसी कैसी स्क्रिप्ट है बे। अरे मम्मा कहानी है कहानी जो अपने को बोलनी है तब जागे हुआ है। जैसे मैं घर आता हूँ देखता हूँ कि आज मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था वीडियो पोस्ट करने में भी, तो वहाँ पर है ना काम करता करता मैं अपने डाइट लेना स्टार्ट कर देता हूँ, और डाइट लेते लेते मैं देखता हूँ कि ओ माय गॉड इंटरनेट भी बंद हो गया है, दोबारा से मैं इंटरनेट चालू करता हूँ। एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। फिर मैं भगवद गीता पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ, और भगवद गीता में आज सीखने को मिलता है कि हम ना भगवान से है ना ये चाहते हैं कि हमारे सारे दुख को दूर कर दिया जाए, लेकिन हम ये नहीं सोचते हम कर्म कैसे करते हैं। और यहाँ पर है ना भगवान जितना देता है ना उसके कर्मों के हिसाब से उसको फल उतना मिल ही जाता है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप भगवान की भक्ति करते हो और भगवान जितना आप भक्ति कर रहे हो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वहाँ पर भगवान आपकी सहायता तो करते हैं, बट इतना नहीं कि जो आप चाहते हो कि सारा का सारा मिल जाए। अगर भक्त के ऊपर कोई भी विपदा आती है तो भगवान 100% आपकी ज़रूर मदद करेंगे, तो भक्ति करते रहना चाहिए। भूख लग जाती है, फिर मैं खा लेता हूँ रसगुल्ले जो फ्रिज में रखे हुए थे। ओह माय गॉड अच्छे हैं, भर भर के खा लेते हैं गाइस। ये देखो गाइस इसको खाने हैं क्या समोसे, और इसको बंद है समोसे वो नहीं बनेंगे। मेरे को ऐसा लगता है मेरे शरीर में थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा कम है, फिर मैं खा लेता हूँ सिंघाड़ा। उसके बाद मैं काम करने बैठ जाता हूँ, और ज़्यादा खाने के कारण मेरे को नींद आ जाती है सोते सोते, और राखी वहाँ पर आकर के शूट कर लेती है और मेरे को जगा देती है। फिर मैं जाग करके फिर से काम करने के लिए बैठ जाता हूँ, तो भाई साहब ऐसी मेहनत के लिए एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है भाई साहब। फिर हम चले जाते हैं शूट करने पानीपुरी वाला, और यहाँ पर जाने के बाद पता चलता है काफ़ी ज़्यादा लोगों से पूछ लिया
पहले दिन लोगों से बात की तो उन्होंने मना कर दिया, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि लाइट नहीं आ रही है, ये वाले अंकल से बात की थी तो ये तो बोल रहे हैं कि भैया हमें तो किसी चीज़ का फायदा चाहिए ही नहीं। ऐसा लग रहा है भाई कहाँ फंस गए यार। और फाइनली अब कुछ लड़के हमारे गए दूसरी जगह पे, और उधर वो देखो जबरदस्ती स्क्रिप्ट पढ़ रहा। हाँ भाई क्या पढ़ा स्क्रिप्ट बताइए एक बार, सरप्राइज है अब बता दो क्या लिखा है। राइटिंग भी समझ में नहीं आया, राइटिंग समझ रहे हो ना। ये देखो भाई साहब ऐसा हो रहा है, सारी टीम समझ में नहीं आ रहा, हमें 3 घंटे हो गए, 3 घंटे से हम इधर उधर ही घूम रहे हैं, कोई फायदा नहीं निकल रहा है अभी तक। एक काम कर हम अपना शूट कर ही रहे होते हैं तो बीच में है ना रेस्ट लेने के लिए रुकते हैं ना, तो यहाँ पर है ना भाई साहब नागिन खेल रहे होते हैं। अब इनको कौन ही समझाए क्या चाह चल रहा है। फिर हम अपना पानीपुरी चैलेंज कंप्लीट कर रहे होते हैं, ये मैंने बैकग्राउंड सीन दिखाया है आपको, बट मेन वीडियो भारत के शेर यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी, काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो, जाकर के उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस। आज है मंगलवार, हम हनुमान जी के मंदिर चले जाते हैं हनुमान चालीसा करने के लिए। हनुमान जी को जय श्री राम बोल करके काफ़ी ज़्यादा मौज मस्ती करके हनुमान चालीसा करके दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने के बाद में हम आ जाते हैं घर, और यहाँ पर एडिटिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। और एडिटिंग जैसे ख़त्म होती है उसके बाद में मेरे को थोड़ी सी शांति मिलती है, लेकिन रात को एडिटिंग करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता, सही बता रहा हूँ फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो मुझे।